हेलो स्टूडेंट्स। यार एडमिशन के रिगार्डिंग काफी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि भैया एडमिशन कैसे लें, क्या करना पड़ेगा। यार जितने भी कॉलेजेज है, जो भी आपने अपने फॉर्म के अंदर सबमिट किए हैं कॉलेज, जैसे आपने चॉइस फिलिंग जो की होगी, आप कुछ स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता रिगार्डिंग दिस। आपकी जानकारी के लिए सिंपली थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे आपने जो फॉर्म फिल किया था, ठीक है, जैसे आपने CUET का, UG का फॉर्म फिल किया, देन जो है आपने वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज सेलेक्ट किए, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, गलकोटिया हो गया, ओके CU राजस्थान, CU पंजाब, ठीक है, कटरा हो गया, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी हो गया, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज हो गए, GNU हो गया, BHU हो गया, अलीगढ़ हो गया, ओके CU पंजाब, CU राजस्थान, CU झारखंड, CU उड़ीसा एंड CU तमिलनाडु, जितने भी कॉलेजेज है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे HBTU हो, ओके तो अब आपको क्या करना है। जैसे मान लो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी उस फॉर्म में सेलेक्ट किया है और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना चाहते हो, जैसे मान लो BA करना चाहते हो, BBA करना चाहते हो या फिर .N कोर्स करना चाहते हो, देन आपको क्या करना है, आपको कोर्स एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब आपने जो है NTA का एग्जाम दे दिया, अब आपका जो स्मार्ट पोर्टल वाला जो पोर्टल है उसका आपको आपका जो है काम खत्म हो गया। अब वहाँ पे आपका सिर्फ इतना सा काम बचा है कि जल्द ही जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा वहाँ पे, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, फिर आपको वहाँ पे कभी भी विजिट नहीं करना, वहाँ पे आपका कोई भी काम नहीं है। ओके अब आपको क्या करना पड़ेगा भैया, अब आपको जाना है यार हर यूनिवर्सिटी जो कि आपने फॉर्म के अंदर सबमिट किया है, उस यूनिवर्सिटी को आपने अगर सेलेक्ट किया, ठीक है, अपनी फॉर्म के अंदर, तो उस यूनिवर्सिटी के पास आपकी डिटेल ऑलरेडी चली गई है, ओके, उसके सर्वर के पास आपके पास ऑलरेडी डिटेल है, तो उसके पास जस्ट अप्लाई नाउ का ऑप्शन खुलेगा उसी कॉलेज के अंदर, और उसके पास भी ये जो स्मार्ट पोर्टल वाला है ऐसा ही पोर्टल उस यूनिवर्सिटी के पास होगा। अब जैसे ही वहाँ पे जाके आप अपने एप्लीकेशन डालते हो तो उसके पास सारी की सारी डिटेल आ जाएगी आपकी। आप जो है अगर कोई करेक्शन करना चाहते हो, जैसे mail ID, मोबाइल नंबर, नेम, अदर, वो हो गया, ठीक है, देन उसके पास जो है आपको कुछ पेमेंट वगैरह करना होता है, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो लेती है या नहीं लेती है, आई डोंट नो अबाउट इट, बहुत सारे कॉलेज पेमेंट लेते हैं, बहुत सारे नहीं लेते, कुछ रजिस्ट्रेशन अमाउंट, जैसे CU राजस्थान वो 1000 के आसपास लेता है, CU जैसे हरियाणा है वो 200-300 रुपये लेता है, ठीक है, अदर अदर कॉलेज अदर अदर रुपये लेती है, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर की फेक रजिस्ट्रेशन ना हो, तो इसके लिए जो है पेमेंट प्रोसेस रखा जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वहाँ पे जो है चॉइसेस फिलिंग करनी है, जैसे आपने वहाँ पे मान लो किसी कॉलेज के लिए 5 चॉइस रखी थी, जैसे CUET के फॉर्म में, अब आपको जो उस यूनिवर्सिटी के पास जाके प्रेफरेंस देनी है कि मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस पे ये चॉइस चाहिए, सेकंड पे ये चॉइस चाहिए, थर्ड पे ये चाहिए, फोर्थ पे ये चाहिए, जैसे आपने वहाँ पे चॉइस फिलिंग कर दी, फिर जो है वहाँ पे लिस्टें निकलेगी, राउंड चलेंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड, स्पॉट एडमिशन भी होते हैं, इस प्रकार से जो आपका एडमिशन कंडक्ट किया जाएगा। उसके लिए काफ़ी मैंने आप एक वीडियो बना रखा है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है टू गेट द एडमिशन इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज और CUET कॉलेजेज, आप उसको जो है जरूर चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ ही जो है यार आप अपने डॉक्यूमेंट जरूर प्रिपेयर करके रखे, तो जैसे ही यार राउंड निकलता है, लिस्ट PDF लिस्ट आती है, तो आपको जो है एक ऑप्शन, अगर आपको सीट अलॉट होती है तो जो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ फीस पेमेंट करना होता है, ठीक है, एंड फीस सेमेस्टर वाइज आपको फुल सेमेस्टर फीस पे करनी ही होती है, या फिर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस जो भी होती है वो उसके फॉर्म की गाइडलाइन के अंदर दिखा देगा, ओके तो जस्ट आप जैसे ही फॉर्म फीस सबमिट कर देते हो, आप जस्ट आपके पास ये भी ऑप्शन होता है फ्रीज फ्लोट वाला, तो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता शायद, तो इस प्रकार से जो है राउंड चलते रहते हैं और एडमिशन कंडक्ट किए जाते हैं। इसके साथ ही जो आप हमारी कस्टमाइज काउंसलिंग या फिर पर्सनल काउंसलिंग प्लान भी ले सकते हैं, जिसके अंदर जो हम ट्राई करते हैं जनरली टू प्रोवाइड द एडमिशन, और जो हमारा कॉम्बो प्लान गारंटेड एडमिशन प्रोग्राम भी ले सकते हैं, जिसके अंदर जनरली जो है आपको 100% अलॉटमेंट मिल जाता है टू जस्ट एज माई 4-3 year एक्सपीरियंस इन दिस CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर इंजीनियरिंग एडमिशन एक्सपीरियंस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।